हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये जो आज का व्लॉग है ना, ये मतलब उसी दिन का व्लॉग है जो मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। बस ये भी जो है ना, इवनिंग का टाइम हो रहा था, मतलब इवनिंग कह सकते हैं 3 या 3:30 बजे का टाइम होगा। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपनी ये ऑयल की जो बोतल है ना, ये वॉश की थी। तो मॉर्निंग में तो बारिश हो रही थी हल्की फुल्की सी, बट फिर 2-2:30 बजे के करीब जो है धूप निकल गई थी, तो मैंने इनको रख दिया था बाहर। तो ये इनमें जो हल्का फुल्का मॉइस्चर था ना, वो सब जो है गायब हो गया था। तो मैं भी बस इनको रिफ़िल करके रख रही हूँ। और ये 1 लीटर की जो बोतल आती है ना मस्टर्ड ऑयल की, ये मेरी इन दोनों बोटल्स में मतलब एक टाइम में आ जाती है। मतलब दोनों बोटल्स जो है ना, आप कह सकते हैं हाफ लीटर ऑयल इन दोनों बोटल्स में एक टाइम में आ जाता है। तो मेरी जो बोतल है ना, वो खाली हो जाती है। तो बस इनमें मैंने ऑयल फिल कर दिया है, रख दिया है इनके प्लेस पर। इनका जो बॉक्स था वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और इसके लिए मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आपने ये कहाँ से परचेज़ किया। तो मैं ये बंजारा मार्केट से लेकर आई थी, रैंडमली जो है ना मुझे दिखाई दे गया था। तो इसको देखते ही ना मुझे एकदम थॉट आया कि मेरी जो ऑयल की बोतल है ना, वो इसमें बिल्कुल परफेक्टली आएंगी। उसके बाद जो है, सामने मैं वैसे झाड़ू तो लगाती नहीं हूँ, बट आज दिवित ने पता नहीं खाते हुए कुछ गिरा दिया था। अभी वो इवनिंग में कुछ खा रहा था, तो फिर मुझे झाड़ू लगानी पड़ी, नहीं तो चींटी वगैरह आ जाती हैं, फिर वो कूड़ा जो है ना पैरों पर चिपकता रहता है। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी, अपने जो कपड़े वॉश किए थे मॉर्निंग में, वो सारे मैंने उतार लिए थे, उनको अभी यहाँ पर फोल्ड करूँगी मैं। और मतलब डेली जो रूटीन है ना, वो कुछ इसी तरह से चलते रहते हैं। तो मतलब जब आपके कमेंट आते हैं ना कि दीदी आपकी वीडियोस देखकर हमें बहुत खुशी होती है, हम मोटिवेट होते हैं, आपकी वीडियोस का हमें इंतज़ार रहता है, तो गाइस सच कहूँ मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, मतलब मुझे आपको मैं जितना थैंक यू बोलूँ ना, उतना कम है। क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में से ना ये टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि आप इतना अपना वैल्यू वाला टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस देखते हैं। तो बस ऐसे ही जो है ना, अपना प्यार मेरे वीडियोस पर बनाए रखिएगा। मैं आशा करती हूँ कि कभी आपको निराश नहीं करूँगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, कपड़े फोल्ड कर लिए थे, सबको उनके प्लेस पर रख दिया था। दिवित का जो बैग था मॉर्निंग के लिए, वो भी मैंने यहाँ पर रेडी करके रख दिया था। शाम में ही जो है ना, मैं उसका सारा सिलेबस लगा कर रख देती हूँ। और अभी बस घर में जो लाइट ऑन कर दी थी, क्योंकि इस टाइम पर जो है ना, हल्का हल्का सा अंधेरा घर में रहने लगता है, तो इस टाइम पर मैं अपनी ये एक तो जो फ्लोर लैम्प है वो ऑन करती हूँ, और जो मेरी लैडर सेल्फ ना, उस पर मैंने जो लाइट लगाई हुई है उनको ऑन कर देती हूँ। तो इनकी जो येलो लाइट होती है ना, हल्की हल्की सी, वो मुझे बहुत सुकून देती है, और मुझे इन दोनों को देखकर ना बहुत अच्छा लगता है, एक मतलब बड़ा सुकून सा मिलता है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर बालकनी में। अभी आपको बाहर तो काफ़ी दिन दिखाई दे रहा होगा वो कैमरे की वजह से, बट शाम हो गई थी। तो यहाँ पर ना मॉर्निंग में जैसे बारिश हो रही थी ना, तो मैंने अपने प्लांट इस साइड रख दिए थे, जिससे कि उन पर भी थोड़ी सी बारिश हो जाए। बट ये बालकनी जो है ना, मेरी थोड़ी सी अंदर की साइड आ रही है, तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा बारिश के छींटे, मतलब बारिश आती नहीं है, हल्के फुल्के ही छींटे आ पाते हैं। और अभी जो मैं आपको मिल रही हूँ वो है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर सुबह उठते ही आज मैंने सबसे पहले लगाई है मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, और बारिश हो रही है ना रेगुलरली, तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं। एक दिन के कपड़े सूखे हुए 2 दिन में जाकर सूखते हैं, मतलब एक दिन के धुले हुए, सॉरी, जब जो एक दिन कपड़े धुलते हैं वो 2 दिन में जाकर सूखते हैं। कुछ होते हैं ना, जैसे दिवित के शॉर्ट्स हैं डेनिम वाले, और उसके जो स्कूल का शॉर्ट है, उनकी बेल्ट वगैरह ना एक दिन में नहीं सूखती है। तो मैंने सबसे पहले उनको ही लगा दिया था, अच्छे से मतलब जल्दी धुले जाएंगे तो मैं जल्दी उनको फैला दूँगी। और फिर मैं आ गई थी किचन में, मिल्क वगैरह जो मॉर्निंग में आया था वो निकाला। उसके बाद तो आपको पता ही है कि मेरा रूटीन होता है काउंटर टॉप को क्लीन करना, तो बस वही सब अभी अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। और
इस सब को बस क्लीन करने के बाद मैं जो है लग जाऊंगी अपना जो डुगू को मुझे लंच में देना है उसकी तैयारी करने में। तो मैंने जो है पहले रात में ही सोच लिया था आज बनने वाली थी पूरी और आलू टमाटर की सब्जी, तो उसी की मैं तैयारी यहाँ पर कर रही हूँ। आलू जो थे मेरे पास बॉईल हुए रखे थे, तो वो रखे हुए थे उनसे, तो उनको तो बॉईल करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, बस मुझे यहाँ पर टमाटर कट करके जो है बस सब्जी बना देनी थी। तो बस यहाँ पर जो है टमाटर लिया है मैंने और पैन रख लिया है। इस पैन के लिए भी क्वेश्चन आते हैं मुझे कि दीदी आपने ये कहाँ से लिया, तो ये मैंने अमेज़न से लिया था, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। उसे यूज़ करते हुए मुझे आई थिंक 3-3.5 साल हो चुके हैं, अभी तक तो मतलब मुझे कोई शिकायत इसमें नहीं आई है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो बस जो मस्टर्ड ऑयल में ही मैं ये सब्ज़ी बनाऊंगी, तेल डाल दिया। अब जो भी मतलब बेसिक सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना उस टाइप से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि देखिए सुबह सुबह का टाइम होता है, बच्चे को स्कूल भेजना होता है, रेडी भी करना होता है, तो इतना टाइम होता नहीं हमारे पास कि हाँ मतलब थोड़ी जिन चीज़ों में टाइम एक्स्ट्रा लगता है, जैसे भंडारे वाली सब्ज़ी में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, उसकी ग्रेवी वगैरह बनानी पड़ती है, टमाटर पीसने, तो इतना टाइम था नहीं। तो मैंने बिल्कुल सिंपल सी जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी यहाँ पर बनाई थी, जिसमें मेरा टाइम मतलब कम लगे और मैं और चीज़ें भी मैनेज कर पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी थी, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी सच में। तो यहाँ पर मैं इसमें धनिया कट करके डाल रही हूँ, उसके बाद मैंने आपसे बताया जैसे कि आज पूरी बनने वाली थी घर में, जैसे वेदर तो हो ही रहा है ठंडा सा, तो मैंने सोचा चलो दीवित को अच्छी भी लगती है पूरी, उसको आज पूरी ही बना कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था, अभी कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल गर्म हो रहा है, तो मस्टर्ड ऑयल जो है ना उसे एक बार अच्छे से मतलब बिल्कुल गर्म करना पड़ता है, जिससे मतलब जैसे उसमें धुआं उठने लगे तब जाकर वो थोड़ा सा हल्का होता है, नहीं तो अगर हल्के गर्म में या मतलब हाफ गर्म में ही पूरी डालेंगे तो वो पीली पीली सी आती हैं। तो यहाँ पर अभी तेल गर्म हो रहा है और मैंने इतना अपने आटे में से लोइयाँ बनाकर रख ली थी, और अब बस मैं एक साथ जो है ना सारी पूरियों को बेल कर रख लूँगी, जिससे कि मुझे उनको तलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं अपनी छोटी सी कढ़ाई में जो है पूरी बनाने लगी थी, और ये सच में इतनी यूज़फुल है ना कढ़ाई, सच में मुझे मतलब मैं सोच रही हूँ मैंने अच्छा किया मैंने ये छोटी सी कढ़ाई ले ली है, इसमें सारी मतलब सब्जी वगैरह हो पूरी वगैरह बनानी हो काफ़ी इजीली बन जाती है। पूरी वगैरह सारी बना ली थी, ज़्यादा नहीं बनी थी क्योंकि हस्बैंड तो खाने वाले थे नहीं, डुगोर मैं ही थे बस, तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही पूरियाँ बनाई थी। अभी मैं यहाँ पर दिवित का लंच पैक कर रही हूँ, तो मैं उसको सीताफल की सब्ज़ी दे रही हूँ, आलू की सब्ज़ी है और यहाँ पर 2 पूरी मैं उसको दूंगी। सीताफल की सब्ज़ी मैंने कल नाइट में ही बना ली थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जैसे पहले भी कहा कि टाइम नहीं होता है इतना, तो मैंने सीताफल की सब्ज़ी रात में ही बना कर रख ली थी। सीताफल की सब्ज़ी भी उसे मतलब वो खा लेता है, और अभी जो है ना उसके 2 टिफ़िन थे, दोनों में ही सब्जियां हो गई थी, एक में सीताफल था और एक में आलू की सब्ज़ी थी। तो अब फ्रूट किस में दूँ, फिर मैंने ये छोटा सा एक बॉक्स मुझे दिखाई दिया, तो दिवित से पूछा तो उसने बोला कि उसे एप्पल और जो नाशपाती होती है ना वो दोनों ही लेकर जाने हैं, तो मैं उसको थोड़े थोड़े से कट करके नाशपाती और सेब दोनों इसमें दे दूँगी। मैं आज मतलब थोड़ी सी दिक्कत थी इसलिए मैं इसको प्लास्टिक के बॉक्स में दे रही हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे कभी प्लास्टिक के बॉक्स में खाना वगैरह नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये कट कर लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी और ये पैक हो गया है दिवित का लंच। और हाँ, मैंने आज आपको बाहर का व्यू नहीं दिखाया, बाहर का जो नज़ारा था वो नहीं दिखाया। आप सबको भी ना ये सब देखना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब कमेंट आते हैं कि आपके मतलब घर से काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है। तो सच में इन दिनों तो इतनी ग्रीनरी दिखाई दे रही है ना कि मेरा मन करता है बस मैं बालकनी में ही खड़ी रहूं। और अभी इस टाइम पर जो है ना काले काले बादल आ गए थे, देखिए जो बिल्डिंग है ना वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, इतने काले काले जो है बादल आ गए थे। तो मैं आ गई थी बस अंदर, अभी दिवित कर रहा है नाश्ता, तब तक मैं सोच रही थी कि जब तक मैं उसको बस तक छोड़ कर आऊँ
इतना मेरे जो काम हो सकते हैं मैं उनको यहाँ पर ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर आकर मुझे नाश्ता भी करना होता है, और नाश्ता जो है ना मुझे सुकून से करना अच्छा लगता है, क्योंकि शायद हम लेडीज़ को एक वही टाइम मिलता है जब हम मतलब आराम से बैठकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो इसलिए मैं बस फटाफट से यहाँ पर ना अपने थोड़े से काम जो है कह सकते हैं ख़त्म करके जाऊँगी। तो मैंने सब्जी वगैरह पलट दी है। पर बस मैं दूध भी जो है पकाने के लिए रख दूंगी, और जब मैं दिवित को छोड़ने जाऊंगी तब तक जो है ना मैं इसको बिल्कुल स्लो करके जाऊंगी, तो मैं आऊंगी तब तक ये पक जाएगा। यहाँ पर अभी दिवित की जो है बस का जो है आने का टाइम हो गया था, उसने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, और अभी मैं उसको जा रही हूँ नीचे छोड़ने के लिए। छोड़ कर आऊँगी तो अपने लिए लिए जो है ना मुझे चाय वगैरह भी बनानी है, क्योंकि सुबह जैसे उठते हैं ना और इस टाइम तक काफ़ी भूख लग जाती है, और मुझे मतलब सुबह उठकर जल्दी से खाने की आदत है नहीं, बट इस टाइम तक आते आते ना बहुत तेज़ भूख लगने लगती है। तो मैं यहाँ पर बस चाय आते ही मैंने सबसे पहले चाय रखी है बनने के लिए। दूध तो बॉईल हो ही चुका था, तो हस्बैंड बोलते भी हैं कि सुबह उठकर थोड़ा जो है बनाना वगैरह खा लिया करो, बट मॉर्निंग में जो है ना खाया नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर बस चाय बन रही है, तब तक मैं अपने और काम कर लेती हूँ। बस मैंने चाय वगैरह पी सारी, मतलब आराम से बैठकर मैंने नाश्ता किया। उसके बाद मैं आ गई थी इस पूजा वाले रूम में, क्योंकि आज मुझे इसकी बेडशीट चेंज करनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे इसकी बेडशीट चेंज किए हुए। तो बस सारे पिलो वगैरह हटाए और बेडशीट इस पर मैं डाल दूंगी। तो ये जो मेरा बेड है वो दीवान कम बेड है, तो जो इसकी मतलब बॉक्स की ऊंचाई है ना वो मतलब काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ना इस पर बड़ी वाली बेडशीट आ नहीं पाती है। तो इस पर सिर्फ ये दो ही बेडशीट हैं, एक ये वाली और एक जो मैंने उतारी है, वो सिर्फ ये दो बेडशीट हैं जो इस पर मतलब ठीक सी आती हैं, वो भी मतलब काफ़ी नीचे तक लटक जाती हैं उसके, और कोई बेडशीट तो क्योंकि सारी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं तो वो नहीं आती हैं, इसलिए मुझे सिर्फ ये दो बेडशीट ही इस पर डालनी पड़ती है। बेडशीट डाली, सुबह जो कपड़े लगाए थे वो सारे वॉश हो गए थे, उनको डालने आ गई हूँ बाहर, और अभी वेदर थोड़ा सा ठीक था तो इसलिए मैंने जो है जो टॉवल वगैरह थे वो ग्रिल पर डाल दिए थे, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे थे वॉश किए हुए तो स्टैंड पर सारे आ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने टॉवल डाल दिए थे ग्रिल पर। और बस फिर हो जाते हैं घर के और काम शुरू। तो अभी जो है सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, और हुआ क्या, जब मैं आज दिवित को छोड़कर आई थी ना तो मेरी नज़र जो है अपने इस मेन गेट पर पड़ी, तो इस पर ना मतलब पता नहीं किस चीज़ के जैसे हाथ लग जाते हैं ना, वो इतने गंदे दिखाई दे रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि हम घर को तो क्लीन कर लेते हैं, बट जहाँ से हमारे घर की एंट्री होती है मतलब कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन, वही मतलब मैंने देखा आज कि इतना गंदा लग रहा है। मेरा ध्यान इस पर कभी गया ही नहीं था, मतलब जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तभी मैंने इसको क्लीन किया था, उसके बाद मेरा ध्यान इतना गया नहीं, बट आज जब मेरा इस पर ध्यान गया तो मैंने इसको कोलीन से अच्छे से साफ़ किया। अभी जो बाहर वाला गेट है इस पर तो इतनी धूल होती है, इसे मैंने मतलब 2 से 3 बार क्लीन कर चुकी हूँ, बट इस पर धूल बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको भी बाहर से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और ये इतना गंदा मतलब इतनी धूल थी ना इस पर कि मेरा जो डस्टर था ना वो पूरा मतलब गंदा हो गया था। अभी बस पीछे की साइड से भी मैं इसको क्लीन कर दूंगी, और थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैं सू रैक वगैरह की भी कर दूंगी। तो इस तरह से जो है ना इन चीज़ों का भी अगर हम ध्यान रखें ना तो हमारा घर अंदर से तो साफ़ रहेगा ही, और जब कोई हमारे घर में बाहर से आएगा तो उसे हमारा एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान देती हूँ तो शायद जो मेरे घर में आ रहा है वो भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा। तो कोशिश बस यही रहती है कि अपने घर को जो है मतलब घर का हर एक कोना मैं नीट एंड क्लीन रख पाऊँ, कभी आज भूल चूक हो जाए या कोई चीज़ ध्यान में ना आए वो बात अलग होती है। तो सारा काम हो चुका था, अभी मुझे जाना था नहाने, बट आज मेरा मन था अपना फेवरेट फेस पैक लगाने का, तो मैं बस उसी को यहाँ पर रेडी करने आ गई थी। और इस फेस पैक को लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ मैं बेसन लेती हूँ, दही और एक पिंच हल्दी डालती हूँ, दैट्स इट। और ये फेस पैक ना मतलब जिस दिन भी लगाओ ना उस दिन
आपको अपनी स्किन जो है ना ज़्यादा क्लियर लगती है उतनी, मतलब मुझे ऐसा फील होता है उतनी क्लियर तो फेस वॉश से भी मुझे नहीं लगती। तो बस यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी और अभी मैं इसको फेस पर लगा लूँगी, और जब तक ये लगा रहेगा तब तक मैं अपना बाथरूम वगैरह क्लीन करूँगी, जो थोड़े बहुत कपड़े हैं बाथरूम में वो वॉश कर दूँगी, तो ये मेरा जो है तब तक सूख जाएगा। तो नेक पर, फेस पर सब जगह लगा लिया था, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने हाथों पर भी लगा लिया। और बस इसको लगाने के बाद मैं जाऊँगी बाथरूम की क्लीनिंग वगैरह करने, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी जो ये टाइम है ये है इवनिंग का, मतलब होगा 3:30 बजे या 4 बजे का टाइम। तो यहाँ पर जो है ना दीवित का स्कूल से होमवर्क वगैरह मिला था, मुझे वो कराना था। और आपके बच्चे भी क्या होमवर्क करते हुए इतनी ही मतलब आनाकानी करते हैं, उसको मतलब होमवर्क कराना बड़ा मतलब मुश्किल होता है, मैं उसे बड़ी मुश्किल से जो है लेकर बैठती हूँ, लेकिन जब करने बैठ जाता है तो फिर मन लगा कर कर लेता है। बट शुरू स्टार्टिंग में उसको मतलब मनाना होमवर्क के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पर बस उसका जो होमवर्क वगैरह है, क्लास वर्क जो होता है, वो सारा चेक कर रही हूँ यहाँ पर। तो वही देख रही थी कि उसको क्या क्या कराना है, इतना वो देखे बैठकर, पता नहीं पेपर पे क्या ड्रॉ कर रहा था। ड्राइंग करने का तो उसे इतना शौक है ना। तो यहाँ पर बस उसका होमवर्क देखा और अभी मैं उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ रही थी जो उसकी मैम ने स्कूल में कराया था। और उसके बाद दिवित तो चला जाता है अब उसमें पार्क में प्ले करने के लिए। और ये टाइम जो है मी टाइम होता है, मतलब इस टाइम मैं सिर्फ खुद को टाइम देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इस टाइम पर मैं कुछ भी, अगर मेरा मन है तो टीवी में कुछ देख लेती हूँ, जैसे भाभी जी घर पर हैं वगैरह। और इसी टाइम पर मेरे जो कुछ काम छोटे मोटे होते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना हो गया, अगर वो नहीं है तो सब्जी वगैरह कट करनी हो गई, तो वो मैं इसी टाइम पर कर लेती हूँ। तो मतलब एंटरटेन भी हो जाते हैं हम, साथ के साथ काम भी होता रहता है। तो बस गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग था ना ये इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए से दिन के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।